इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का शो बन जाएगा, लाइब्रेरी बन जाएगी, जिसमें बैठा दिए जाएंगे और देखते रहो उनके मुंह और उनके फोटो खींचते रहो। काम वो नहीं कर सकते, ना वो डीसी को ट्रांसफर कर सकते, ना डीसी पर कोई डेपुटेशन लेकर उसको प्रेशर कर सकते कि मेरा काम होना चाहिए। जो लोगों की बात, जब वो लोगों के डीसी उसके अंडर नहीं आता, ना उसको ट्रांसफर कर सकता है, ना सस्पेंड करवा सकता है, ना रिकमेंड कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसको उठाया जाए, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वो एक किस्म का तमाशा बन जाएगा। इसलिए हमने जो बड़े हैरानगी लगी हमें, और आज के युग में जब इंटरनेशनल तौर पर दुनिया कहाँ से कहीं पहुंच गई है, और इंडिया भी जो जितनी जूनियर टेरिटरी सब स्टेट्स बन गई, हमें स्टेट से जूनियर टेरिटरी बनाकर और टेरिटरी बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावरें छीन कर हमें एक गुलामी का जंजीर डाल दी। एक सवाल है सर, यहाँ पर चुनावी मौसम है, कहा जा रहा है कि सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे, भाजपा तो पूर्णतः मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही है और यहाँ पर एलजी को भी पावर दे दी है, एलजी को नियुक्त जो है केंद्र सरकार ने, क्या आपको लगता है कि एक डर था कि देखिए हम चुनाव ना जीते तो एलजी के सहारे ही शासन कर ले? तमाशा यही है, उनको ये पता चल गया है कि कश्मीर में तो हम पांव नहीं रख सकते, और उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साबित भी कर लिया कि वो नहीं रख सकते, और जम्मू में भी अब उनको पता है कि गुस्सा बढ़ रहा है, और जम्मू में भी वो उतनी सीटें नहीं ले सकेंगे, सरकार नहीं बनेगी, उनको ये पता लग गया है कि दूसरी पार्टियों की सरकार बनेगी लेकिन हुकूमत हमारी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसीलिए पावर दे दी कि हुकूमत हमारी रहेगी, उनको ये पता चल गया कि बीजेपी जहाँ सरकार नहीं बना सकती। विपक्ष का क्या किरदार रहेगा चुनावों में? विपक्ष इतना एकजुट है कि वो सरकार बना पाए, जनता विश्वास? अगर नहीं हो एकजुट होगा तो उनकी तबाही होगी, हम तो कोशिश। जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक घराने जो विपक्ष में बैठे हुए या फिर सामाजिक संगठन आज एक मंच पर आए हैं, एकजुट हुए, एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब आगे जो है संघर्ष करना पड़ेगा और एक साथ आना हमारे लिए जरूरी है। आड़ी खजूरिया जी मेरे साथ है, किन बातों पर मूलतः चर्चा हुई और किस तरह से निष्कर्ष निकला? शुक्रिया। आज हमने ये जो नए कानून पास हुए, ज़्यादा तो इस पर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम फौरी मिले, नहीं तो जम्मू कश्मीर के मसले पर तो हम लगातार मिलते आ रहे हैं, और हमने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा बनाया हुआ है जिसमें हमने बड़े सारे धरने भी दिए, और एक हरी सिंह पार्क में हमने एक बहुत बड़ा जलसा भी करवाया जिसमें कश्मीर की लीडरशिप को भी बुलाया गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़े बड़े लीडर भी आए थे उसमें। तो हम इस बात पर ज़्यादा इस वक्त हमें चिंता पड़ी कि एक तरफ तो सरकार ने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि सितंबर में शायद इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक कानून हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसकी कुछ धाराएं अमेंड कर दी, और अमेंड करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को एम्पावर्ड कर दिया फाइनेंशियली, लैंड प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कह दिया कि कोई भी ऑफिसर जो है उसको चीफ मिनिस्टर ना छेड़ सकता है, ना कह सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, और लैंड में कह दिया कि जो भी लैंड होगी उसका सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला लेगा कि किसको देनी है, किस इंडस्ट्री को देनी है, किसको नहीं देनी है, और फाइनेंशियल तौर पर भी जो प्रोजेक्ट बनेंगे उसको भी गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की बन भी गई अगर तो उसका कोई मायने नहीं होंगे जब तक चीफ सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी या जनरल डिपार्टमेंट सबमिट नहीं करेगा, गवर्नर और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्लियर करेगा। इसका मतलब है कि ये ना म्यूनसिपैलिटी हुई, ना जे पंचायत हुई, ना ही जे लोकल बॉडीज का कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी, जे एक सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का शो बन जाएगा, लाइब्रेरी बन जाएगी जिसमें बैठा दिए जाएंगे और देखते रहो उनके मुंह और उनके फोटो खींचते रहो। काम वो नहीं कर सकते, ना वो डीसी को ट्रांसफर कर सकते, ना डीसी पर कोई डेपुटेशन लेकर उसको प्रेशर कर सकते कि मेरा काम होना चाहिए। जे लोगों की बात, जब वो लोगों के डीसी उसके अंडर नहीं आता, ना उसको ट्रांसफर कर सकता है, ना सस्पेंड करवा सकता है, ना रिकमेंड कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसको उठाया जाए, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वो एक किस्म का तमाशा बन जाएगा। इसलिए हमने जे बड़े हैरानगी लगी हमें, और आज के युग में जब इंटरनेशनल तौर पर दुनिया कहाँ से कहीं पहुंच गई है, और इंडिया भी जो जितनी जूनियर टेरिटरी सब स्टेट्स बन गई, हमें स्टेट से जूनियर टेरिटरी बनाकर और टेरिटरी बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावरें छीन कर हमें एक गुलामी का जंजीर डाल दी। एक सवाल है सर, यहाँ पर चुनावी मौसम है, कहा जा रहा है कि सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे, भाजपा तो पूर्णतः मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही है और यहाँ पर एलजी को भी पावर दे दी है, एलजी को नियुक्त जो है केंद्र सरकार ने, क्या आपको लगता है कि एक डर था कि देखिए हम चुनाव ना जीते तो एलजी के सहारे ही शासन कर ले? तमाशा यही है,
उनको ये पता चल गया है कि कश्मीर में तो हम पाँव नहीं रख सकते, और उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साबित भी कर लिया कि वो नहीं रख सकते। और जम्मू में भी अब उनको पता है कि गुस्सा बढ़ रहा है, और जम्मू में भी वो उतनी सीटें नहीं ले सकेंगे, सरकार नहीं बनेगी। उनको ये पता लग गया है कि दूसरी पार्टियों की सरकार बनेगी लेकिन हुकूमत हमारी रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसीलिए पावर दे दी कि हुकूमत हमारी रहेगी, उनको ये पता चल गया कि बीजेपी यहाँ सरकार नहीं बना सकती। विपक्ष का क्या किरदार रहेगा चुनावों में? विपक्ष इतना एकजुट है कि वो सरकार बना पाए, जनता विश्वास? अगर नहीं एकजुट होगा तो उनकी तबाही होगी। हम तो कोशिश करेंगे कि एकजुट करेंगे, एक मंच पर इनको लाने का पूरा कोशिश करते रहे हैं। हम पीछे से भी करते आए हैं, जहां ट्रेड यूनियनों में रहे हमने वहां भी इकट्ठा किया, ज्वाइंट एक्शन कमेटियां बनाई, और जहां भी हम इनको यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। और हम तो ये भी कहेंगे कि अगर इलेक्शन भी आप यूनाइटेड नहीं लड़ोगे तब भी धोखा होगा। हम इन पार्टियों को मोदी की गारंटी, जिसकी चर्चा चल रही थी लोकसभा के चुनावों में, वो गारंटी कह रहे हैं कि वो फिर से आ रही है? नहीं, मोदी की गारंटी अब खत्म हो गई है, मोदी ने गारंटी छोड़ दी है। अब शब्द कहना, अब एनडीए सरकार हो गई है और मोदी अपना अब कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहे। अगर यहाँ के नेता एक बार फिर से मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ लिए तो फिर तो बदकिस्मती होगी, लेकिन लगता नहीं ऐसा। ये बदल आ रहा है, लोगों को समझ आ रही है और लोग बदल रहे हैं, एजुकेट भी। तो नेता लगातार प्रधानमंत्री के नाम को ही आगे रखते हैं, उनको स्टार प्रचारक। भाजपा ना तो कहना है आप, लेकिन भाजपा में भी आप आजकल सुनो, कुछ यूपी में कुछ हालात फिर रहे हैं। अब योगी के खिलाफ कुछ हो रहे हैं, कुछ एनडीए के खिलाफ हो रहे हैं, एनडीए के घटकों ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है। देखिए, साफ तौर पर चुनावी मौसम है और आगे जो नुकसान है या नफा नुकसान है वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल पूरे विपक्ष को एक मंच पर आना होगा ताकि एक आवाज बुलंद हो पूरे जम्मू कश्मीर के। आप ही हमारे साथ देखते हैं विश्व जम्मू सुहाल के लिए।